नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। इस बार का वनडे वर्ल्ड कप भारत समेत कुछ टीमों के लिए तो अच्छा रहा, शानदार रहा, और कुछ टीमों के लिए किसी बहुत बुरे सपने की तरह रहा। इंडिया के अलावा साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ऐसी दो टीमें हैं जो अभी तक वर्ल्ड कप में थोड़ा अच्छा फॉर्म में दिख रही हैं, मैचेस जीत रही हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान, ये तीन वो टीम हैं जो चौथे नंबर के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। लेकिन श्रीलंका उन टीमों में से एक रही है जिसका खस्ता हाल प्रदर्शन इस बार सभी ने देखा, और जब वर्ल्ड कप जैसे सबसे बड़े क्रिकेट के स्टेज पर इस तरह का प्रदर्शन टीम करेगी तो इसका असर भी दिखना लाजमी है। अभी वर्ल्ड कप खत्म भी नहीं हुआ है और इस बीच एक बड़ी खबर आई। क्या है वो खबर, आपको बताएंगे। आज श्रीलंका का बांग्लादेश के साथ दिल्ली में मैच है, लेकिन इससे पहले ही श्रीलंका के खेल मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया। उसने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को ही तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब कि खिलाड़ियों का तो जो होगा वो बाद में होता रहेगा, लेकिन उससे पहले ही अधिकारियों पर गाज जरूर गिर चुकी है। श्रीलंका के खेल मंत्री रोशन राणा सिंघे ने क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड करके एक अंतरिम कमेटी का गठन किया है, एक कमेटी बनाई है, और इस कमेटी के अध्यक्ष 1996 में श्रीलंका को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान अर्जुन राणातुंगा बनाए गए हैं। इस कमेटी में अर्जुन राणातुंगा के अलावा पांच और लोग शामिल हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। ये अंतरिम कमेटी फिलहाल श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड का कामकाज संभालेगी। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को अचानक से सस्पेंड किए जाने की बड़ी वजह, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड कप में टीम का खराब प्रदर्शन है। श्रीलंका ने अभी तक 7 मैच खेले हैं जिसमें से उसने सिर्फ 2 मैच जीते हैं और 5 मैच हारे हैं, और उनका नेट रन रेट भी माइनस में है। इन आंकड़ों के साथ श्रीलंका 10 टीमों के इस क्रिकेट महाकुंभ में 7वें पायदान पर है। श्रीलंका को आज बांग्लादेश और फिर इसके बाद दूसरा मैच न्यूजीलैंड से खेलना है, लेकिन वो अगर इन दोनों मुकाबलों को जीत भी लेता है तो फिर भी उसके केवल 8 अंक ही हो पाएंगे, यानी श्रीलंकाई टीम के लिए वर्ल्ड कप का सफर खत्म ही मानिए। अब जिस टीम की हालत इतनी बदतर हो उसके देश में बवाल तो मचेगा ही, लेकिन क्रिकेट बोर्ड को ही बर्खास्त कर दिया जाएगा इसका अंदाज़ा भी शायद ही किसी ने लगाया होगा। लिहाजा जब ये खबर आई तो हैरानी भी उतनी ही हुई जितना वर्ल्ड कप के मैदान में श्रीलंका के प्रदर्शन को देखकर लोगों को हुई। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। श्रीलंका के खेल मंत्रालय ने जो क्रिकेट बोर्ड को वहां के बर्खास्त किया है, इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।